About the codominance, we have discussed all the things with the help of example of ABO blood group system. And the one thing remained from the related topic, that is multiple alleles. Multiple alleles जो है उससे related बचा हुआ था. Okay. So before studying the multiple allele, बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में क्या डिफरेंस होता है, पहले उसके बारे में बात कर लेना, उसके बाद मल्टीपल एलील को शुरू करेंगे. Incomplete dominance and co-dominance. तो दोनों में जो कैरेक्टर को लेकर के डिफरेंस होता है कि जो फिनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं, तो किसी भी जीन का दो एलील होता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ही अपने एलील को शो करने में फेल होते हैं. मतलब जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जांपल हम लोग लिए थे स्नैपड्रैगन का एंटीराइनम, जिसमें रेड कलर्ड फ्लावर एंड व्हाइट कलर्ड फ्लावर दोनों के बीच में क्रॉस किया गया था, तो एक इंटरमीडिएट कलर फ्लावर मिला था पिंक कलर का. मीन्स बोथ द ट्रेड्स फेल टू रिप्रेजेंट इट्स फिनोटाइप. इसका जो फिनोटाइप था दोनों का, वो दोनों का फिनोटाइप जो है अपीयर नहीं हुआ है फन जनरेशन में. तो पहला डिफरेंस इसी बेस पे होगा, दैट इज बोथ द एलील्स फेल टू एक्सप्रेस देयर फिनोटाइप. दोनों ही एलील जो है उस पर्टिकुलर जीन के, वह अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने में फेल थे. ओके, बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ एलील एबल टू एक्सप्रेस their phenotype. Okay, means A and B together are responsible to express their phenotype in the case of codominance. Codominance के केस में दोनों ही अपना phenotype दिखाते हैं, but incomplete dominance में दोनों का फिनोटाइप दिखाई नहीं देता है, दोनों ही एक्सप्रेस करने में फेल होते हैं. पहला डिफरेंस ये हो गया. नाउ द सेकेंड डिफरेंस हैज द हाइब्रिड हैज न्यू फिनोटाइप. हाइब्रिड हैज न्यू फिनोटाइप विच हैज नो जीन. इसका मीन्स ये हुआ कि जो हाइब्रिड बनता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दौरान, F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, वह
पूरी तरह से नया फिनोटाइप होता है, मतलब दोनों पेरेंट में से किसी भी पेरेंट का, किसी पेरेंट के एलील का वो फिनोटाइप नहीं होता है। तो जब ये नया होगा तो इसका पर्टिकुलर जीन भी प्रेजेंट नहीं होगा, ओके, मीन्स इसके लिए कोई पर्टिकुलर जीन बॉडी में नहीं होता है, ये केवल प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद जब ये इसके एलील्स सेपरेट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो फिर से वो फिनोटाइप क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, मीन्स वो फिनोटाइप स्टेबल नहीं होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में, ओके। और दूसरा जो है उसमें फिनोटाइप जो है इसमें दूसरा होता है न्यू फिनोटाइप, बट इस केस में क्या होता है कोडोमिनेंस के केस में फिनोटाइप जो है नया नहीं होता है, वह पेरेंट के जैसा ही फिनोटाइप होता है, मींस हाइब्रिड हैज नो फिनोटाइप, नो न्यू फिनोटाइप। इसमें जो हाइब्रिड बनता है उसमें कोई नया फिनोटाइप नहीं क्रिएट होता है, वो फिनोटाइप जो है पेरेंट का ही रहता है। ईवी में आप देखें कि ए का भी जो है, या ए जो आता है वो ए ब्लड ग्रुप वाले से आता है, वो कोई दूसरा तो प्रोड्यूस होता नहीं है, और बी भी जो है उसका भी पेरेंट में प्रेजेंट होता है फिनोटाइप। तो इस तरह से ये दो डिफरेंस हुए। उसके अलावा जो है मिक्सिंग की अगर बात किया जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस देयर इज द मिक्सिंग ऑफ ट्रेट्स, ओके, मिक्सिंग ऑफ फिनोटाइप टेक प्लेस, फिनोटाइप का जो है मिक्सिंग होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, बट को डोमिनेंस में जो है फिनोटाइप मिक्स नहीं होते हैं। तो थर्ड डिफरेंस में आपका यही होगा दैट फिनोटाइप मिक्स्ड अप, इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटाइप, बोथ द फिनोटाइप बिकम्स मिक्स्ड अप, मीन्स व्हाइट और रेड दोनों मिक्स होकर के एक दूसरा कलर बनाते हैं, न्यू फिनोटाइप बनाते हैं जो कि पिंक कलर का होता है। बट को डोमिनेंस में जो है फिनोटाइप जो होते हैं वह मिक्स्ड नहीं होते हैं, अपना अपना सेपरेट फिनोटाइप दिखाते हैं, फिनोटाइप डू नॉट मिक्स अप, फिनोटाइप जो है मिक्स्ड नहीं होते हैं, ये फिनोटाइप अलग अलग ही रहते हैं, दोनों अलग अलग दिखाते हैं इंडिपेंडेंट। मीन्स अगर हम दूसरे वर्ड में ये कहें दैट इसी का नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज द फिनोटाइप, द फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन द एलील्स, बिटवीन द एलील्स, दो एलील्स के बीच में वो इंटरमीडिएट बनाते हैं। बट यहाँ पे कोडोमिनेंस की केस में क्या होता है कि दोनों ही फिनोटाइप जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को ना तो इंटरफियर करते हैं ना तो कोई इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो इसमें आप जो है डिफरेंस ये कर सकते हैं दैट इज फिनोटाइप इंडिपेंडेंट। ओके, ये था डिफरेंस। एक डिफरेंस और भी लिख सकते हैं दैट अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ओके, तो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स एक होता है, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स एंड क्वालिटेटिव ट्रेट्स। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का मीन्स होता है
जब किसी भी ट्रीट्स का फिनोटाइप हमेशा चेंज होता रहता है तो ऐसे को हम क्वांटिटेटिव ट्रीट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वह क्वांटिटेटिव ट्रीट्स को शो करता है, क्यों? क्योंकि इसमें पैरेंट में कुछ और है और ऑफस्प्रिंग में कुछ और चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ही क्वांटिटेटिव ट्रीट्स की कैटेगरी में भी आता है। इन स्केली सो क्लियर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा क्वांटिटेटिव इफेक्ट और उसमें जो है यहाँ पे नो क्वांटिटेटिव इफेक्ट। आप क्या बोल रहे थे आर्यन? हेलो जी सर, क्वांटिटेटिव इफेक्ट मीन्स होता है क्वांटिटेटिव जो ट्रेड्स होते हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। क्वांटिटेटिव मीन्स होता है जब फिनोटाइप पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में फिनोटाइप जो है चेंज रहता है तो ऐसे ट्रेड्स को हम क्वांटिटेटिव फिनोटाइप बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो ऐसा ही हो रहा है, पेरेंट में रेड और व्हाइट था और ऑफस्प्रिंग में कैसा हो गया, पिंक हो गया। अब अगेन जब F2 जनरेशन में आप जाएंगे तो फिर से पिंक वाला जो है उसमें से ट्रीट सेपरेट हो गई, क्या बोलते हैं जीन एलील्स जो है उस पर्टिकुलर जीन के एलील्स जब सेपरेट होंगे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, तो अब जब F2 में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो उसमें फिर से जो है पेरेंट वाला कॉम्बिनेशन फिर से कुछ अमाउंट में मिलेगा। तो 1:2:1 वाला रेशियो दिखाई देगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, फिनोटाइप जो है चेंज हो रहा है, पेरेंट में कुछ और फिनोटाइप है, F1 में कुछ और है, फिर F2 में कुछ और हो रहा है, तो ऐसे को हम क्वांटिटेटिव इफेक्ट बोलते हैं। जब ये ट्रेड जो है चेंज होता है, फिनोटाइप चेंज होता है, और फिनोटाइप जब फिक्स्ड रहता है तो उसको हम क्वालिटेटिव ट्रेड्स बोलते हैं। जैसे मेंडल के द्वारा जो भी ट्रेड्स लिए गए थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, दे विल बी कंसीडर्ड एज क्वालिटेटिव ट्रेड्स। अब इसके बारे में बात करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेड क्या होते हैं। तो ये डिफरेंस क्लियर है सबको? स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है यहाँ, तो सब कुछ नेटवर्क में नहीं प्रॉब्लम है? यहाँ तो ठीक है, हो सकता है इधर ही प्रॉब्लम हो। वैसे स्क्रीन पे तो देखने पे मोबाइल में सही आ रहा है। चलिए इसका नोट्स भेज देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। इसको रिपीट कर दे क्या एक बार? डिफरेंस को एक बार रिपीट कर दें। डिफरेंस जो बताए हैं उसको एक बार रिपीट कर दें। चलिए ठीक है, देख लीजिए। देखिए पहला जो डिफरेंस हम बताए हैं दैट इज बोथ एलील फेल टू एक्सप्रेस देयर फिनोटाइप। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, जो एलील्स हैं कौन कौन से, रेड कलर के और व्हाइट कलर के, दोनों के ही जो एलील्स हैं वह अपने आप को एक्सप्रेस करने में क्या हो रहा है, फेल हो जाते हैं। लेकिन वही उसी का जस्ट अपोजिट को डोमिनेंस हो रहा है कि दोनों का एलील्स जो है दोनों ही ट्रेड का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को डोमिनेंस में क्या लिया गया था, ए और बी, तो दोनों का एक ट्रेड जो है ऑफ स्प्रिंग में अपियर हो रहा है।
एक ये डिफरेंस हो गया पहला। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो हाइब्रिड बन रहा है वो हाइब्रिड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या है, उस हाइब्रिड का जो फिनोटाइप है पूरी तरह से नया है, किसी भी पेरेंट से वो मैच नहीं कर रहा है। ओके, बट यहाँ पे जो है को डोमिनेंस में क्या है, ये दोनों ही पेरेंट से मैच करता है, उसका जो फिनोटाइप है वो नया नहीं है। ये फिनोटाइप को डोमिनेंस के केस में हाइब्रिड का फिनोटाइप वो पेरेंट के जैसा ही है, ये नया नहीं है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस उसी के बेस पर है, तो यहाँ पे नया कैसे बन रहा है, क्योंकि फिनोटाइप जो है मिक्स्ड अप हो जा रहा है, फिनोटाइप जब मिक्स हो जाएंगे तो नया बन जाएगा। जैसे दो कलर मिक्स करते हैं तो तीसरा एक नया कलर बनता है। बट को डोमिनेंस के केस में क्या हो रहा है कि कोई भी नया चीज नहीं बन रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे मिक्सिंग भी नहीं हो रही है, मिक्सिंग नहीं होगी तो नया बनेगा नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट। अब इसी बेस पे तीसरा है क्या कि फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो फिनोटाइप बनता है वो इंटरमीडिएट रह रहा है। इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच का रहा है, दोनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है, फिनोटाइप इंडिपेंडेंट है, इंटरमीडिएट नहीं इंडिपेंडेंट है। तो ये इंटरमीडिएट है और ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मीन्स दोनों ही अपना ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरा लास्ट जो बताए थे क्वांटिटेटिव इफेक्ट, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है क्वांटिटेटिव इफेक्ट शो करता है, बट को डोमिनेंस जो है क्वांटिटेटिव इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। ओके, सो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज अबाउट मल्टीपल एलील। ओके, जो टॉपिक आपका बचा हुआ है इम्यून सिस्टम से, मल्टीपल एलील्स। सो ये जो मल्टीपल एलील्स का टर्म है ये कैसे किया गया है, मल्टीपल का मीन्स मोर देन, जैसे एलील्स कितने कितने नंबर्स में पाए जाते हैं, स्पेशली जो एलील्स होते हैं किसी भी जीन के वह दो ही होते हैं। ओके, बट रियल में तो देखा जाए तो यूनिवर्सली कभी भी किसी के बॉडी में किसी भी जीन का एलील जो है दो ही होता है। बट अगर हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर जीन के लिए जब एक दो से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ऐसे को हम बोलते हैं, सॉरी दो से ज्यादा एलील्स रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ऐसे एलील्स को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। ओके, तो एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप जो है वह इसी तरह का एलील शो करता है। मीन्स एक्चुअली में किसी इंडिविजुअल बॉडी में अगर देखा जाए तो एलील दो ही रहेगा, तीन में से दो ही प्रेजेंट रहेगा किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में। बट अगर पॉपुलेशन स्टडी करेंगे तो उस पर्टिकुलर जीन के लिए तीन तरह के एलील्स आपको दिखाई देंगे, और वो तीनों एलील्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से और एक स्मॉल। तो कैपिटल आई में दो होता है, आई ए आई बी, और तीसरा होता है स्मॉल आई। ओके,